आप लोग, मैं दुर्गे जायसवाल। आज हम आपसे विवादित प्रश्न जो सुपरटेट में पूछे गए थे उस पर आज हम आपसे सीधी वार्ता करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस हफ्ते के बाद किसी भी दिन पीएनपी आपकी उत्तर कुंजी जारी कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर कुंजी पे लगातार पीएनपी पी मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और जल्दी सरकार और के आला अधिकारियों के या हाईकमान से जैसे उन्हें किसी प्रकार का लिखित आदेश होता है वो हमारी और आपकी उत्तर कुंजी जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इस बात को लेकर हम आज आपसे सीधी वार्ता करने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे और आपके भी ऐसे साथी, मेरे बहुत ऐसे खास थे, आपके बहुत ऐसे खास साथी हैं जिनका एक या दो नंबर से वो 90-97 वाली जो लड़ाई थी उसमें वो कहीं ना कहीं पीछे थे। तो चाहे 90-97 की बात करें ना रहे, कटाप रहे या ना रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर किसी के मार्क्स बढ़ेंगे तो सबके बढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो लगातार लोगों को कॉल आते हैं सर कितने मार्क्स तक बढ़ जाएंगे, किसके किसके नंबर बढ़ेंगे, कौन कौन से प्रश्नों पर नंबर बढ़ेंगे। इस बात को हम आपको पूरी तरह से सारी बातें एक एक क्रम से स्पष्ट करेंगे। पहली चीज़ मैं बता दूँ कि आप मुझसे भी परिचित होंगे, मेरा नाम दुर्गेश जायसवाल है और आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा भी होगा UPTET में हम लोगों ने लगातार मेहनत किया, यहाँ तक कि PNP हमने साक्ष्य भी दिया है और साक्ष्य का नतीजा यह रहा कि लास्ट में सुपर टेट की डेट की फॉर्म भरने की डेट भी आगे की गई थी, माने बाद में चलकर भी नंबर बढ़े थे। और आपने ये भी देखा था कि जिस समय सुपर टेट की परीक्षाएं हुई थी उसके बाद किसी भी कोचिंग संस्थान ने, जो भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वहाँ भी किसी ने हम आपको साथ उपलब्ध नहीं कराया। अगर साथ किसी ने उपलब्ध कराया तो आप लोगों ने हमें उपलब्ध कराया और हम लोगों ने स्वयं ढूंढा था। उसके लिए आपने देखा भी होगा कि PNP तक दौड़ के गए हम लोग, 2 से 3 दिन तक वहाँ थे, सचिव जी से हम लोगों ने बात किया था और प्रश्नों को दिया था, जिसमें शिवेंद्र सिंह जी जैसे आपको जानते भी होंगे और मैं, इसमें दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ तक गए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था तो आप जानते हैं राजबसु जी और राकेश जी और ऋषभ जी, ये सब का भी बहुत बड़ा सहयोग था जिसकी वजह से ये सारे काम हो सके। इसमें राजू सिंह जी हैं, इन लोगों ने, राणा जी, इन सभी का एक बड़ा सहयोग था जिसकी वजह से अभिषेक जी, इन सभी के सहयोग से हम सब लोगों ने साक्ष वहाँ तक पहुँचाए थे और मैंने कितनी मेहनत करके साक्ष इकट्ठा की थी। तो प्रश्न उठता है कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति है, किन किन प्रश्नों पर नंबर मिलेंगे। देखिए, जहाँ तक अभी तक लग रहा है कि PNP के जो रुझान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वो 2 से 4 नंबर तक के मार्क्स बढ़ सकते हैं और घट भी सकते हैं, क्योंकि विकल्प अगर परिवर्तित होगा तो हो सकता है किसी का नुकसान हो जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन को कॉमन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सबके मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, और सबको नंबर मिलेंगे, नंबर पहले से मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों लगातार ये प्रयास कर रहे थे और अभी भी हम लोग का प्रयास यही है कि नंबर जो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो, मतलब अगर एक से ज़्यादा विकल्प सही है उस नंबर को कॉमन करें। और कॉमन करने में क्या होगा, किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होगा। बाकी ये PNP के स्वयं पे है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन अब आगे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम, यदि आप ने सुपर टेट की परीक्षा दी थी तो एक बात तो जरूर है कि आप चाहे 90-97 की बात करते हैं, उस कट ऑफ के बाद है या पहले है, ये डजंट मैटर। लेकिन ये मैटर जरूर है कि सबके मार्क्स, अगर आपको लगते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा तो इसका मतलब ही, अगर आपको फायदा मिलेगा तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा, जो एक बार आप पुराने पेपर को फिर से खंगा लिए, फिर से उस पेपर को उठाइए और उस पेपर को एक बार सारे प्रश्नों को पढ़िए, जो जो प्रश्न आपको पुनः विवादित लग रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि आपके पास उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं और वो साक्ष्य आप उपलब्ध करा सकते हैं, हम आप तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें आपके नंबर बढ़ाने में हम आपकी सहयोग कर सकते हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन के साथ ढूंढने में प्रयास करें। पहली बात, आप अन्य लोगों के बातों में, अन्य लोगों की जो बातें कर रहे हैं कि इतने नंबर बढ़ेंगे उतने नंबर बढ़ेंगे, भैया मुंह से नंबर नहीं बढ़ते, मौखिक नंबर नहीं बढ़ेंगे ना, PNP मौखिक मानेगी। दूसरी बात, आप कहेंगे हम साक्ष्य दे रहे हैं, कुछ लोग हमें साक्ष्य भेजते हैं, वो भेज देंगे, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि पवन से, पवन की ऐड साक्ष्य भेज देंगे और लूसनी किताब से भेज देंगे, मार्केट में जो बहुत सारी किताबें हैं उनसे, उनकी किताबों से हमें साक्ष्य भेज देंगे, तो वो किताबें नहीं मानेगी राज्य सरकार, यहाँ तक कि SCERT की भी किताबें राष्ट्र आपकी PNP नहीं मानेगी। ऑथेंटिक बुक्स जो होंगी, या तो NCERT हो, NCERT 2005 के आधार पर, अगर NCERT क्वेश्चन आपको बहुत लग रहे हैं NCERT 2005 उठा के लाइए, अथवा आप ऑथेंटिक बुक्स जो प्रमाणित किताब हो, ऐसी किताबों को आप संकलन करिए, उनके विकल्प देखिए, जो विकल्प हो, 2 से ज़्यादा विकल्प सही हो उनको हमें बताइए और जल्द ही हम आपको एक पोर्टल उपलब्ध करा देंगे। उस पोर्टल में आप अपना नाम, रोल नंबर, विवादित प्रश्न का सेट नंबर, विवादित प्रश्न की फोटो क्लिक करके और उसके साथ कवर पेज और जिस पेज पर आपका आंसर है वो बिना किसी वाटरमार्क के आप हम तक पहुँचाएंगे, तो हो सकता है हम आप सबकी पूरी मदद कर पाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सबका अगर कल्याण होगा तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। यह हमको कुछ करना
नहीं है, बस आपको छोटी सी मदद करना है, आप लोगों को इतना ही करना है जो प्रश्न आपको गलत लग रहा है उसके आप साथ ढूंढिए। हाँ, हो सकता है कि आपके पास किताबें ना हो, आप असमर्थ हो, इंटरनेट का भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर इंटरनेट का भी हमारे पास है और नेट से खोज कर हमको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो भी नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरी बात, आपके साथ मैं भी, मेरी पूरी टीम साच खोजने में लगातार लगी हुई है और साच अभी तक खोजे जा रहे हैं और हर एक किताब को, अभी हम आपको एक फोटो जल्दी आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ साच किस तरह से किन किन किताबों से निकाले जा रहे हैं ताकि सबका फायदा हो, कोई भी साथी छूटने ना पाए। और हम जाएंगे आप सबका, सबका हित, क्योंकि नंबर बढ़ेंगे तो सबका फायदा होगा, हित तो सबका होना तय है क्योंकि हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़े और आप सभी साथी का बढ़े। हाँ, PNP के ऊपर है, PNP क्या करती है, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात आपको बता दें हम कि आप को हम जल्द ही, जैसे अगर आप कहेंगे सर आपको अगर सात क्षम तक पहुंचाना होगा या कैसे पहुंचाना होगा तो आप कैसे पहुंचा पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मेरा मोबाइल हैंग हो जाता, मैं भी इंसान हूं और मेरे पास भी काम है, मेरी भी दिन भर पूरी सुबह क्लासेज है, शाम को क्लासेज है, लगातार क्लासेज है, तो इस वजह से मुझे भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मैं आपके कॉल कितना पिकअप करूँ, मुझे भी तो पढ़ाने हैं, मुझे भी और सारे भी तो काम है, दिन के 24 घंटे भी होते हैं, तो आप कॉल करते समय इस बात का भी ध्यान देते हैं इसमें कितने बज रहे हैं और क्या इस समय सर क्लास में होंगे, कहाँ होंगे, आप तुरंत फोन उठाते हैं, कॉल कर देते हैं, तो इस बात से भी आप बचिएगा। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम पे, टेलीग्राम सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना किसी स्पेस दिए, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे इलेनी भी दुर्गेश आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ ज्वाइन करने के बाद जैसे मैं डालूंगा सबको, जितने भी हैं आप सबको मिल जाएगा और फिर मैं जल्दी इसका एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आपको साथ खोजिएगा उसके बाद, ताकि आपके सभी के साथ मुझे मिल पाए और आपके रोल नंबर के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप के अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो भी आप प्रयास करिए, कम है तो भी प्रयास करिए, क्योंकि नंबर बढ़ेंगे तो सबके बढ़ने हैं, कम होने हैं तो सबके होने हैं, लेकिन वो तो PNP के ऊपर है, कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, लेकिन हमें अंतोगत्वांत तक ही प्रयास करना है कि आप सभी जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो भी साथी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, अगर उनका किसी भी उन्हें अथेंटिक बुक से पढ़ा था, यदि आयोग ने गलत माना है तो उसे हम सही करवाएंगे, हमने करके भी दिखाया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, आपको साथ पता भी होगा अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो PNP पे जाके हम लोगों ने पूरे साक्ष इकट्ठा किए थे। यहाँ तक कि आपने बहुत सारी कोचिंग पढ़ी होगी, बड़े बड़े कोचिंग नाम सुने होंगे, बड़े बड़े कोचिंग यूट्यूब पर चला भी रहे थे कि इसका ये सही, इसका ये सही है, साक्ष किसी ने नहीं दिया, अगर आपको ना इतिहास गवाह जाके उठा के देख लीजिएगा वीडियो में भी। हम लोग कई कोचिंगों के पास हम भी गए थे, ठीक, हमारे साथ कई लोग भी गए थे, लेकिन किसी ने साक्ष उपलब्ध नहीं कराया क्योंकि उसमें कोचिंग बंद हो गई, सब टूर पे निकल गए थे। तो हम तो प्रशिक्षुओं भी हम आपके साथ रहेंगे, साथ थे, साथ हैं, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है, तो इस बात के लिए आपको भी तैयार होना होगा। आप बिना वजह किसी की वार्ता भी ना करें कि सर कितना नंबर बढ़े, कितना कम होगा, भैया आप कितने साक्ष इकट्ठा किए, कि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मेरे पास जो किताब है उसमें उसका साक्ष ना हो, आपके पास जो किताब है उसमें आपका साक्ष हो, तो इसलिए अभी भी आपके पास समय है, आप शुरू कर दी, क्योंकि इस हफ्ते के बाद किसी भी दिन उत्तर कुंजी आ सकती है और जब उत्तर कुंजी आ जाएगी तो फिर आप लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि आप अपनी बुकलेट निकाल लीजिए, विवादित प्रश्न संख्या, बुकलेट नंबर और कौन कौन सा विकल्प आपने माना है सही और कहाँ कहाँ है, ये संशोधित उत्तर कुंजी है। एक बार हम और PNP के पास जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि PNP मान जाएगी और हमें बस PNP से ही मनवा के आपके मार्क्स बढ़वाने हैं बस मेरे। और एक बात, आप फेसबुक पेज पर भी इलर्निंग बुजुर्ग सर्च करके जुड़ सकते हैं और किसी से भी, चाहे आपके जो भी जिले के जो भी जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, उनसे भी हम तक पहुंचवा सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी साथी हमसे जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस बात का मुझे भी ये प्रमाण रखना होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो किताबें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके प्रमाण मेरे पास है, ऐसा तो नहीं मैंने आपको पढ़ाया पढ़कर चले गए, अगर मैं आपको प्रमाण नहीं दिला पाया इसका मतलब मैं ही आपको गलत पढ़ाता हूं। सीधी सी बात, आप मुझ पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं जैसे आप अन्य बड़े बड़े कोचिंगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इसलिए यह समय इस बात के लिए नहीं है कि आप कितना पढ़े थे, कहाँ से साथ चलाएंगे, आप साथ खोजिए, आप नहीं खोजिए हम तो खोजेंगे, लेकिन अब ये मत कहिए सर आप मुझे खोज कर आप दीजिए, हो सकता है आप मुझसे ठोस साथ खोज सके, हो सकता है मुझसे ज़्यादा मेहनती हो और है भी, नो डाउट, इसलिए आप सब, आप जितने भी प्रश्न आपको विवादित लग रहे थे, जितने भी अभी भी आपको विवादित लगते हैं, वे सभी प्रश्नों की सीरीज आप तैयार करिए, उनके साथ ढूंढना शुरू करिए, क्योंकि आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आपका हित होगा, किसी का हो ना हो लेकिन आपका हित जरूर होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका हित होना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा, ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग कह रहे सर मार्क्स किसी के बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, किसी कम हो जाएंगे, अरे भैया जी वो तो PNP के ऊपर है किसके मार्क्स बढ़ेंगे किसके कम होंगे, ठीक, लेकिन हाँ ज़्यादातर उम्मीद है क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे, और ये भी है कि 2 से 4 तक बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि जो अभी तक PNP के जो आसार आ रहे हैं वो 1 से 3 क्वेश्चन पे समेटने के कगार पे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, अब अभी पूछे कौन कौन से क्वेश्चन है, वो 2 से 3 क्वेश्चन पे समेटने की संभावना हमें लग रही है। वास्तविकता क्या है, वो आपके पास जब उत्तर कुंजी आएगी आप भी उससे परिचित हो जाएंगे और हम भी परिचित हो जाएंगे, इसलिए
आप सबको कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है, अपनी बुकलेट निकालनी है और उस बुकलेट से आप अपना क्वेश्चन, विवादित प्रश्न संख्या और क्या क्या मिलेगा, मैं एक बात कुछ दिन बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके एक छोटा सा लिंक उपलब्ध करा दूंगा जहां से आप डायरेक्ट मुझे जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट मुझे आपके जो भी क्वेश्चन के गलती क्वेश्चन के प्रमाण आप तक मिल जाएंगे और तुरंत आपको उसको रिप्लाई में आपको प्रमाण मिल जाएंगे। और हम ये प्रयास करेंगे सारी आपत्तियां आपको स्वयं से दर्ज कराएं, क्योंकि आप स्वयं से दर्ज कराएंगे कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंस रहेगा क्या। और हाँ, एक बार मैं आपको रिपीट कर दूंगा, इंटरनेट की कोई कॉपी पीएनपी नहीं मानेगी। इसी बीच जो मार्केट में जितनी भी किताबें बिक रही हैं, जो आप यूपीटेट सीटेट के लिए पढ़ते हैं, जो बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं के हैं, वो भी आपको माने नहीं होंगे। और राधा पवन इन सब की साहित्य, ये सब सारी किताबें जो मार्केट में जितनी भी दिखती हैं, इसके भी साक्ष्य माने नहीं हैं। एक ऑथेंटिक राइटर के जो हैं उन्हीं की किताबें मान्य हैं और उन्हीं के साक्ष्य आपको ढूंढने हैं। मेन कवर पेज, एडिशन वर्ष, राइटर नेम, पेज संख्या, ये चीज़ें आपको, क्वेश्चन नंबर, बुकलेट नंबर, बुकलेट के साथ क्वेश्चन नंबर जरूर, और क्वेश्चन के चारों विकल्प, आप कौन सा विकल्प मानते हैं, पीएनपी ने कौन सा विकल्प माना है, संशोधित उत्तर की में कौन सा माना है, आपके अनुसार क्या हो सकता है, इस तरह के। और आप सब अगर एकजुट रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे, हम सबके साथ रहेंगे, देख फायदा आपका ये होगा, हम ये चाहेंगे कि हम सब चाहेंगे कॉमन नंबर ज़्यादा हो, और क्योंकि कॉमन नंबर होगा तो आप सबका हित होगा, सबका बढ़ेगा, तो हम ये चाहते हैं कॉमन नंबर ज़्यादा हो। लेकिन ये तो हमारी सोच है, करना किसको, पीएनपी को है, किसको करना है, पीएनपी को करना है, कम करेगी तो पीएनपी, ज़्यादा करेगी तो पीएनपी, ये पीएनपी के ऊपर है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपसे क्या फायदा, बस मुझे कोई नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो बस मेरा ये है कि अगर वो गलत क्वेश्चन कह रहे हैं, अगर मेरे पास साक्ष्य मैं उपलब्ध करा दूंगा, हो सकता है अगर आपके पास बेहतर साक्ष्य हो आप उपलब्ध करा देंगे, नहीं है तो भैया अगर आप मुझे गाली भी देंगे तो भैया हम नहीं डालेंगे, हम नहीं आएंगे सामने, लेकिन हम इसलिए आए आपका हित हो जाए, आपकी मदद हो जाए, और मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, ना कोई फायदा चाहिए हमें। इसीलिए जो भी काम आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के आंसर खोजने हैं, नहीं खोज पाते उसके लिए तो मैं आखिरी ऑप्शन मैं हूँ, लेकिन पहले तो आप मेहनत करेंगे, हो सकता है आपके पास मुझसे बेहतर सजेशन हो, मुझसे बेहतर साक्ष्य हो, तो आप पहले प्रयास करिए और खोजने का प्रयास करिए, क्योंकि किसी भी दिन, मैं बता नहीं हफ्ते के बाद, क्योंकि इस समय पीएनपी की ज़्यादातर व्यस्तता, डीलर की परीक्षा की वजह से थोड़ी व्यस्तता चल रही है, उसके बाद फिर एक बार उत्तर कुंजी में फिर गहन अध्ययन हो रहा है, उनकी कमेटी लगातार बैठ रही है, और फिर सरकार से, सरकार के आला अधिकारियों से लगातार हो रही है कि आंसर की जारी किया जाए, कब किया जाए, मतलब इस सारी बातों पर हो रहा है कि, तो इसलिए मैं आपको एक बार पुनः बताऊंगा कि ज़्यादा नंबर बढ़ने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात, ज़्यादा मार्क्स बढ़ने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है सीधे इंग्लिश घी कभी पीएनपी नहीं निकालने दी, ट्रेनिंग जरूर करनी पड़ी है इसके लिए, 2018 टीटी जिम्मेदार है, आप जानते हैं अंतिम समय में 20 तारीख तक पेपर लिखित का डेट बढ़ा था, तो इसीलिए वो सीधे इंग्लिश घी निकालेंगे नहीं, उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करने के लिए आप स्वयं ट्रेनिंग करेंगे, आप भी ट्विटर यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, और उनका पोर्टल आपने देखा होगा पीएनपी का, जो पिछली बार पोर्टल था, हो सकता है फिर आपसे दोबारा वो आपत्ति ले, लेकिन हाँ एक बार और है, आप साक्ष्य खोजिएगा, साक्ष्य अथेंटिक होगा, किसी भी मार्केट से किताबों से नहीं लीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं आपको बहुत सारे साक्ष्य देंगे, वो सारे साक्ष्य माने नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप पीएनपी नहीं गए, मैं पीएनपी गया हूँ, हम लोग इस मुद्दे में सचिव से डायरेक्ट वार्ता किए हैं, और सचिव ने साफ साफ जो कहा मैं आपसे कह दे रहा हूँ, कहने के लिए आप खोज के लाइए, राजन दीजिए, ये दीजिए, नेट की स्क्रीन शॉट मुझे भेज दीजिए, ऐसा कोई भी साक्ष्य मान्य नहीं होगा। फिर आते हैं एक बार अपनी बात को रिपीट करते हैं, एक बात अपनी बातों को पुनः दोहराते हुए चलते हैं। पहली बात, नंबर बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे, कम होंगे तो लगभग कम होंगे, और कम होंगे ज़्यादा होंगे इसकी जिम्मेदारी पीएनपी की, मेरी कोई उत्तरदायित्व नहीं है, पहली बात, मैं साक्ष्य डालूँ कोई तो डालेगा। दूसरी बात, नंबर बढ़ेंगे सबका हित होगा, आपका भी हित होगा, आपके जो घनिष्ठ उनका भी हित होगा, मेरे बहुत सारे घनिष्ठ ऐसे हैं जिनका नंबर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, इतना मेहनत की जितना मैं सोच नहीं सकता, एक एक दो दो नंबर्स कम है, ठीक, तो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं चाहूँगा कि उन सभी साथियों के मार्क्स बढ़े, जरूर से बढ़े, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, और किसी के एक दो नंबर की वजह से अगर रुकता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है, वो उससे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। एक बात, दूसरी बात, आपको एथेंटिक बुक से सारे आंसर खोजने हैं, मार्केट से, यहाँ तक SCERT से भी नहीं खोजने, अगर आपने खोज लिया तो धन्यवाद, लेकिन इसके साथ साथ अन्य सभी बुक से। एक बात, जितने भी एथेंटिक बुक से आपको साक्ष्य मिलेंगे उन सभी के नाम रखेगा, ये नहीं रखेगा इसके मान्य होंगे या इसके नहीं होंगे, आप सभी के साथ अपने पास सुरक्षित रखिए, ठीक। दूसरी बात, हम आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आपके 10 से 15 नंबर बढ़वा रहे हैं, इस बात से आप बाहर आइए, मतलब इसको सोच से बाहर निकलिए, वो पीएनपी क्या कहती है वो माने रखता है, यूट्यूबर क्या कहते हैं वो डजंट मैटर, वो कोई बात वहाँ कोई माने नहीं रखेगा, ठीक। फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर सर नंबर कितने बढ़ेंगे वो मैं नहीं, पीएनपी जानता है, ज़्यादा बढ़ेंगे कम, कम से कम बढ़ने की संभावना है, ठीक, कितने बढ़ सकते हैं, अभी कहें सर आप 2 से 4 कह रहे हैं, 1 से 3 क्यों कह रहे हैं, ठीक, क्योंकि अभी हम कह देंगे तो आप तुरंत कमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह ना कि आप सकारात्मक कम नकारात्मक ज़्यादा बोलते हैं, कभी आप भी इंसान हैं मैं भी इंसान हूँ, ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं पीएनपी के अंदर उसके बैठा हूँ, ठीक, और मुझे जो संभावना लगी मैंने आपको बता दिया, बाकी आप माने या ना माने इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भी होगा आपके सामने सामने आएगा। फिर सर आप
हमारे पास साक्ष्य नहीं मिले, हम क्या करें? अगर आपके पास साक्ष्य मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, टेलीग्राम ऐप, क्योंकि व्हाट्सएप हैंग हो जाता है, आपको भी पता होगा, इतने मैसेज आप लोग देते हैं। सर्च करिएगा दुर्गेश सर, DURGES सचाइया, कोई स्पेस नहीं होगा, फिर आ जाएगा ई-लर्निंग पे दुर्गेश, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, हम आपको साक्ष्य भी उपलब्ध करा देंगे। सबसे पहला काम आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाएंगे हम आपकी पूरी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहीं से हम दे पाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं कम अलग अलग लोगों को पोस्ट करें। फेसबुक पेज पे ई-लर्निंग पे दुर्गेश, बाकी जितने भी फेसबुक के आप लोग, जितने भी आपके साथी हैं, उन सभी साथियों का आप नाम जानते होंगे जो पिछले जिलाध्यक्ष थे, उन सभी के पास, ठीक, उन सभी से आप जुड़ सकते हैं, उन सभी तक के पास यदि आपका मैसेज जाता तो हम तक जरूर पहुँच जाएगा, ठीक, चाहे वो आपके जो भी हों, उस तक अगर आप जा रहा तो हम तक पहुंच जाएगा, और उन सभी साथियों तक प्रयास करिएगा। और राकेश अगर जो गाजीपुर के आसपास है तो राकेश जी से भी संपर्क कर सकते हैं, फिर बनारस के जो मंडल के आसपास के, और ऋषभ जी से संपर्क कर सकते हैं, फिर गोंडा के जो थे उनसे संपर्क करें, अभिषेक जी से, सोनी सिंह राजा से, और सर्वेश प्रताप सिंह से, सुनील जी से, और सिंह प्रताप सिंह से, इन सभी से आप जुड़ सकते हैं, उन सबको भी उपलब्ध कर सकते हैं। यदि आपको फिर लगता है कि मुझ तक भी आना चाहिए, फिर मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन आप जुड़ जरूर जाइएगा, ताकि जो मुझे मिलेगा आप तक पहुंचा दूंगा, जितने लोग से मुझे मिलेगा, जो साक्ष्य मुझे लेगा बेहतर, मैं आप तक पहुंचा दूंगा, फिर मैं प्रयास करूंगा जितने भी साक्ष्य मेरे पास आते रहेंगे मैं फेसबुक से अपडेट करता जाऊंगा, ताकि हो सकता है वो साक्ष्य आपके काम में आ जाए। इसलिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज पर भी आइएगा, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दुर्गेश सर से सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, उससे आपको ये चीज़ें, कोई भी चीज़ें मैं उपलब्ध कराऊँगा आप सबसे पहले भेज पाऊंगा, अन्य जगह मैं नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि सब जगह हैंग हो जाता है मोबाइल, आपको भी पता है, आप भी यूज करते हैं मोबाइल यूजर, क्योंकि एक दिन 20 से 25 हज़ार मैसेज आप देते हैं हमें प्रतिदिन, 450 ज़्यादा प्रदेश के मेरे पास ग्रुप हुए हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या आप मेरे लिए खड़ी कर देंगे, और मैं आपके हित के लिए आया हूँ, मेरे पास भी दिन के 24 घंटे हैं, और जिसमें से मैं आपके लिए लगातार मैं साक्ष्य अभी खोजना प्रारंभ कर दिया हूँ, आप भी खोजना प्रारंभ कर दें, अथेंटिक बुक होनी चाहिए। फिर अब बाकी प्रतिक्रियाएं आप अपनी कमेंट से दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य सभी साथी जिनका हो सकता है आपसे बेहतर किसी के पास साक्ष्य, वो हम तक उपलब्ध करा दे। दूसरी बात, आपको किन किन प्रश्नों पर लगते हैं मार्क्स ज़्यादा होगी, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको उस कमेंट के प्रतीक्षा करेंगे कि आपके हिसाब से किन किन प्रश्नों को होना चाहिए, किताब के लिए पेज नंबर बताएंगे, हम किताब भी खोजने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताइएगा, आप अपनी सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान दें सकारात्मकता का, बहुत सारे लोग तो पहले आएंगे, पहले तो अनलाइक का बटन दबाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी वो विचार है, कुछ लोग आएंगे कमेंट से भी बौछार करेंगे, अपना परिचय देंगे, वो भी हमें मंजूर है, हाँ, लेकिन किसी का हित हो रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये चाहूँगा आप सभी का हित हो, क्योंकि आप सब पढ़ रहे हैं, आपने दिन रात एक करके मेहनत की है, और आज चाहे जो भी हो आपने मेहनत किया है, और आपकी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए, और लगातार इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आपने लगातार कम से दिया, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इफेक्ट, 2 दिन पहले अफवाह फैल जाना कि पेपर आउट पेपर है, रद्द होगा, फिर बाद में पेपर होगा, तय समय पर ही होगा, तो सारी चीज़ों से जूझने के बाद अगर आपने पेपर दिया है और आपका एक आध 2 नंबर से अगर अटकड़े लगी हैं, तो चिंता ना करिएगा, आप ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, महादेव जो चाहेंगे वो जरूर होगा, और महादेव आपके हित में चाहेंगे, और हम ये जानते हैं कि आपका हित जरूर होगा। कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये मत पूछिएगा, क्योंकि यह जवाब देना उचित नहीं है, हाँ, लेकिन हमें प्रयास करेंगे 1 से 3 या 2 से 4 नंबर आपके सबसे ज़्यादा कॉमन होने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन PNP क्या जाती है, हम लोग बार बार PNP से ही बात कर रहे हैं, और यही हम लोग कहना भी चाहेंगे कि वो कॉमन नंबर ज़्यादा करें, और कॉमन नंबर होने पे आप सभी का हित है, ज़्यादातर लोगों का हित ही है, लेकिन अब PNP को ऊपर क्या करती है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, आप लोग अपने पेपर को खोज लीजिएगा, इस वीडियो को अन्य सभी साथियों तक शेयर जरूर करिएगा, शेयर करेंगे सबसे बड़ा फायदा क्या है, अन्य सभी साथियों तक ये बात पहुँच जाएगी कि अब उन्हें भी क्या करना, बहुत सारे साथी लोग बैठे होंगे, तो इसमें राजू जी की तबियत थोड़ी सही नहीं चल रही है, लेकिन वैसे राजू जी अकेले किला संभाल लेते हैं, शिवेंद्र जी अकेले किला संभाल लेते हैं, राकेश जी सब ऐसे हैं, एक तरफ पूरा किला संभाल लेते हैं, मतलब मुझे आसानी हो जाती है, क्योंकि खुद लोग साथ जो इकट्ठा कर लेते हैं, खुद पहुँचा देते हैं, ठीक, तो इस वजह से मैं आपके सामने आया हूँ, और मेरा उम्मीद यही है कि आप सबके मार्क्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत किया है, फिर भी यदि जाने जाने में मैंने कोई ऐसी बात कह दी जिससे आपको बुरा लगा हो, उससे लिए हम सही क्षमा चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं आपके बेहतर भविष्य की, और आप मेहनत करिए लगातार, और हाँ, एक बात और बताऊँ, मैं अपनी पढ़ाई आप जारी रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर लगाम मत लगाइएगा, आप इस भर्ती में संभली दें तो भी, नहीं संभली तो भी, अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा, यदि आप डिलेट प्रशिक्षु हैं तो भी अपना बेस्ट दीजिएगा, यदि आप परीक्षा में अभ्यर्थी रह चुके हैं, आप इस परीक्षा से गुजर चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपका होना तय नहीं होना तय, अगर दोनों असमंजस है, फिर भी आप पढ़ते रहिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि वास्तव में अंतिम में जब भी चयन होगा तो 69,000 का ही चयन होगा, बाकी जो 4 लाख अभ्यर्थी थे उनमें जो अभ्यर्थी बचेंगे अगली भर्ती परीक्षा के लिए, तो आप अभी से आप लग जाइएगा, आप अपना बेहतर दीजिएगा, हम आपके साथ है तब तक साथ है जब अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाएंगे यह बैच अगली बैच, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी एक अध्यापक का कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप सबके ज़्यादा ज़्यादा नंबर बढ़े मैं ये उम्मीद करता हूँ, और इसी के साथ आप सभी को आंसर किया की
अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि वो घड़ी अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली इस हफ्ते के जस्ट बाद से, मतलब चाहे जिस दिन भी वो घड़ी आ जाएगी अचानक आपके वाले पीडीएफ जाना शुरू हो जाएगा कि पीएनपी ने आंसर की जारी कर दिया है। तो बस एग्जाम की वजह से थोड़ी समस्या हो रही है, एग्जाम खत्म आंसर की उसके बाद चाहे जब भी आपके पास आ सकती है, लेकिन उसके पहले आप पूरी तरह से तैयार हैं ताकि आप पूरी तरह से आप अपने हित के लिए पीएनपी से अपने आप मार्क्स ले सके और लेने में कामयाब भी रहेंगे। इसी के साथ मैं दुर्गेश जायसवाल आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक पहुंच सके और हम आपके अग्रिम भविष्य अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं ताकि आप सच खोजने में हमारी मदद करें और अपनी भी मदद करें। इसी के साथ अगर आप सच खोजेंगे तो आपकी मदद उनकी भी हो जाएगी जो एक या दो नंबर से पीछे थे, वो भी रेस में आ जाएंगे। इसलिए अगर आप पास भी है तो भी आप मेहनत करिएगा क्योंकि आपके भी तो बढ़ेंगे। इसलिए आप सभी साथी सकारात्मक सोचिएगा और भरोसा रखिएगा। बाकी तो महादेव के ऊपर है, महादेव क्या चाहता है कि महादेव हमेशा सकारात्मक सोचेगा और हमेशा आपके हित की बात सोचेगा। हमें उन पर भरोसा है और हम जानते हैं वो कुछ बेहतर करेगा। इसी के साथ आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, आंसर की आने की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।